लच्छे वाले पराठे बनाए? कहाँ है लच्छे? नजर नहीं आ रहे मुझे, नजर नहीं आ रहे बिल्कुल भी लच्छे। आज खाना तो मैं बना Hey everyone, Assalamualaikum, this is me, Sayeda Disha Hashmi, and welcome back to my YouTube channel. कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सब बिल्कुल ठीक हैं और जी आप लोग भी ठीक होंगे। सो जी आज मैं इतने दिनों से ब्लॉग जो है ना बहुत लेट शुरू कर रही थी, लेकिन आज मैं इतनी सुबह सुबह कर रही हूँ ना, मतलब कि सुबह के कोई 7-8 बजे, वैसे मैं जाग तो रात 3 बजे से रही हूँ। पता नहीं रूटीन भाई मैं ठीक करती हूँ, लेकिन मेरी रूटीन जो है ना हमेशा ही ख़राब हो जाती है, पता नहीं क्यों। अब इसको भी सेट करनी पड़ेगी वरना ऐसे तो चलेगा नहीं बड़ा। तो जी मॉर्निंग शॉर्निंग हम लोग की हो गई थी, मम्मा बना रही है नाश्ता, चाय मैंने बनाई है, पराठे मम्मा बना रही है। तो मैंने सोचा जब मैं सुबह उठ ही चुकी हूँ तो ब्लॉग क्यों ना शुरू कर दूँ। परिया की तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो ये मुन्नू मेरा शोला है या बेटू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब भी कुछ खा रही हूँ डायरेक्ट उसको वॉमिट की वजह से तो चलते हैं मम्मा के पास। मम्मा बना रही है नाश्ता और यहाँ मम्मा बना रही हैं जी नाश्ता। मम्मा नाश्ते में क्या बन रहे हैं? वालेकुम सलाम, इतने दिन बाद कैसे हैं आप? बस याद आ गया कि मेरा एक चैनल भी है और उसमें मुझे ब्लॉग अपलोड करने होते हैं। याद आया या याद दिलाया? याद दिलाया गया। तो मम्मा जी यहाँ पे बना रही हैं पराठे। मम्मा खैरियत है आज? यार संडे है मौसी का ही है। हाँ लेकिन पराठे तो वैसे भी हमें बनाते थे, तुमने बनाए थे कल? मैंने बनाए थे और यहाँ पे जरा मैंने चाय भी रख दी है। चाय आप निकालेंगी? हाँ चाय मैं निकालूँगी, उस पराठे बनाऊँ, दो पराठे बनाऊँ। हुसैन हस्तैन कहाँ पर? हुसैन हस्तैन वो हलीम में जा रहे ना, हलीम मंदिर पर। मुझे भी जाना था लेकिन मैं सोती रह। ये नाश्ता हम लोग का आ चुका है और लाइए मम्मा। कैसे बने लच्छे वाले पराठे? बनाए कहाँ हैं लच्छे? नज़र नहीं आ रहे मुझे, नज़र नहीं आ रहे बिल्कुल भी लच्छे। ये वैसे लच्छे मैं दिखाऊँ? लच्छे ऐसे दिखाते हैं, आपको दिखाना नहीं आया ना माँ। देखिए ये देखो लच्छे वाले पराठे बनाए मेरी मम्मा ने। लच्छे हम टेस्ट भी करते हैं कैसे बनाए, कल तो मैंने बनाए थे बहुत मज़े के। तो जी हम लोग ट्राई करने लगे मम्मा के पराठे। बनाना कल वाले से जो आपने सुबह में दो बनाए थे ना उससे अच्छे बने। एक दिन पुराना आटा, जितना पुराना आटा बना एक दिन पुराना आटा ना बहुत मज़े। अच्छा पुराना आटे के अच्छे बनते हैं? कल शाम में मैंने बनाए थे, सुबह में मम्मा ने अच्छे बने। नाश्ता वाश्ता जी हम लोगों ने कर लिया था, फिर मैं बैठ गई थी जी नेल्स लगाने। अरे इतनी प्यारी लग रही हो आप तो, किसने की पहनी, किसकी है ये? हजूर की। मेरी नो no. मेरी है अभी देख, है ना अभी देख, अभी इसकी है। ओ अब मैं भी इससे कपड़े पहनूंगी। हाँ पहले क्या मैं कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे ना? 6.5 hours later. तो जी सुबह जो है ना सुबह नेल्स वेल्स लगा के मैंने सो ली थी, लेकिन मैंने अभी फिर निकाल दी कि मैं सोचती हूँ कि मैं अपने जो है ना नेचुरल बड़े करूँ। और उठने के बाद जो है ना सुबह मैं उठ गई थी 4 बजे तक, तो मेरे जो आ रहा है उनसे काम वाम करवाने के बाद फिर अब मैं लेने गई थी शावर। शावर के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ और आज मैं सोचा ही खाना मैं बनाऊँगी कढ़ाई, लेकिन जो है ना मम्मा ने कहा गैस जाने वाली है, मैं खुद ही बना लेती हूँ। अब चलते हैं मम्मा के पास, देखते हैं कि मम्मा थोड़ी गुस्से में है। अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रही हैं आप? आज खाना तो मैं बना लेती हूँ। आपने क्यों बनाया? मैं आ रही थी बनाने के लिए। ऐसे क्या बना रही हैं आज? क्या बना रही हैं? मुझे कुछ अभी इसमें समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वैसे शोरबा शोरबा लग रहा है।
कढ़ाई अच्छी आ गया। वो मेरा बिस्किट लेगा? नहीं, बिस्किट के लिए सारी शॉप्स पर। क्यों? सब टाइम क्या हुआ अभी? सब पता नहीं, बारिश कैसे हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ब्लॉग क्यों नहीं देख रही? तो ये जो न्यू फ्रॉक्स है क्यों निकाल के पहन रही हो? ऐसी क्यों? कल उस पर कस्टर्ड गिर गई थी तो दूसरी निकाल के पहन ली। गर्मियों में बंदा टी शर्ट पहनता है, शॉर्ट पहनता है, लेकिन ये इसको इतना कोई क्रेज है ना फ्रॉक्स का ही कि फ्रॉक्स जो भी मिलती है ना भले में शादी की क्यों ना ये पहन के बैठ जाती है ना। और शूज भी इसने पहने हैं, ये देखें। क्यूट। खाना शाना जी हम लोग का बन चुका है। मम्मा ने यहाँ पे मुझे लाठी भी दे दिया, लेकिन मम्मा ने पता नहीं इसके अंदर पापड़ क्यों डाल दिए क्योंकि मैं खाती नहीं हूँ। और टेस्ट करते हैं कि मम्मा ने बनाई कैसी है। सबको बोल रहे हैं कि मम्मा ने आज बहुत अच्छी बनाई है। आज तो भाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी। मेरे ख्याल से मम्मा ने गुस्से में रहना बहुत ज़्यादा मज़े की बना दी है। तो खाना शाना खाते हैं और उसके बाद करते हैं ब्लॉग को। तो खाना शाना जी हम लोगों ने खा लिया है और करते हैं सोने क्योंकि रूटीन भी हम लोगों ने सेट करनी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो टाइम बहुत हो चुका है, अब लगते हैं जी सोने। आई हो आप लोग को ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आज नहीं करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा ब्लॉग आप लोग जल्द से जल्द आज मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो बाय बाय।